मुजफ्फरनगर में एबीवीपी के छात्रों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला, जिसमें एबीवीपी के छात्रों ने जीआईसी मैदान से कैंडल मार्च यात्रा शुरू की, जो महावीर चौक पर जाकर समाप्त हुई और पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के जवानों को याद किया। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया, जिसमें एबीवीपी के नगर मंत्री सागर सिरोही ने बताया कि पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उनको मुजफ्फरनगर के युवा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए और उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। ये जैसा कि आप सब जानते होंगे, पिछले साल 2019 में 14 फरवरी के दिन एक हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज हमारा सारा देश और हमारा सारा शहर का जितना भी यूथ है, इन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है। और जो हमारा देश है और जो हमारे देश के युवा हैं, अब वो वैलेंटाइन डे उस पर नहीं मानते, जबकि वो आज सारा देश जितना भी है पुलवामा अटैक के श्रद्धांजलि देने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक आपने? हमने जीआईसी ग्राउंड से और महावीर चौक तक अपनी ये शांतिपूर्ण निकाली है।